हेलो एंड वेलकम, दिस इज मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हम लीगल लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, वो है हिंदू डिवोर्स। हिंदू डिवोर्स क्या होती है और हिंदू डिवोर्स की क्या टर्म एंड कंडीशन है, व्हाट आर द टर्म एंड कंडीशन, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द हिंदू डिवोर्स, हिंदू की डिवोर्स कैसे होगी, ये आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हम लीगल लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। देखिए, हिंदू जो मैरिज एक्ट है 2017 फेडरल गवर्नमेंट का मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 9 है, उसके तहत जुडिशियल सेपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन आइदर पार्टी हस्बैंड और वाइफ वो सेपरेशन के लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा सेक्शन 12 में उसकी शादी की टर्मिनेशन की ग्राउंड दी गई हैं कि शादी किस बुनियाद पर टर्मिनेट हो सकती है, शादी ख़त्म कैसे हो सकती है हिंदू जोड़े की शादी। उसके लिए एक ग्राउंड ये है कि क्रूएलिटी, अगर शोहर जुल्म करता है अपनी बीवी पर, जुल्म के बेस पर हो सकती है। दूसरा ग्राउंड आया कि डिसल्टेड, बगैर किसी वजह के 2 साल से वाइफ को छोड़ के चला गया हो, और उस ग्राउंड पर भी वाइफ जो है वो डिवोर्स ले सकती है। इसके अलावा मजहब चेंज कर दिया हो, अगर किसी एक पार्टी ने हिंदू ना रहा हो तो भी उस बेस पर शादी टर्मिनेट हो सकती है। और इसके अलावा इनक्यूरेबिलिटी, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड होना चाहिए जो क्यूरेबल ना हो और वो उसको यानी आकल ना हो, तो उस बेस पर भी शादी डिसॉल्व हो सकती है। इसके अलावा वेरुलेंट डिजीज में किसी में हो, HIV हो, एड्स हो, और या फिर ये और ग्राउंड है कि वो उसने रिनाउंस कर दिया हो रिलीजन अपना छोड़ दिया हो, उस बेस पर भी शादी टर्मिनेट हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। और इसी तरीके से सेक्शन 12(2) में ये बताया गया है कि बीवी की तरफ से भी शादी ख़त्म हो सकती है। उसकी ग्राउंड ये है कि 2 साल से हस्बैंड ने खर्चा नहीं दिया है, अगर 2 साल से वो उसको नेगलेक्ट कर रहा है, 2 साल से खर्चा नहीं दे रहा है, ये ग्राउंड है। या 4 साल की उसको सजा हो चुकी हो, कोर्ट ऑफ लॉ में ने उसको 4 साल की सजा दे दी हो, तो उस बेस पर भी वो शादी को टर्मिनेट करा सकती है। या 18 साल से पहले अब जो है वो रिप्रोड्यूट भी कर सकती है, अगर 18 साल से पहले शादी के और रिप्रोड्यूट भी कर सकती है, ये भी वाइफ को एक ऑप्शन है। और अंडर सेक्शन 15 के साथ बहमी रजामंदी से भी शादी में कोर्ट के थ्रू टर्मिनेशन हो सकती है। और सेक्शन 16 है, जब शादी उसके डिवोर्स हो जाती है तो डिवोर्स के बाद वो शादी कर सकती हैं। याद रहे, हिंदू भी दोबारा शादी कर सकते हैं आफ्टर डिवोर्स अंडर सेक्शन 16। आज का टॉपिक ये था हमारा कि हिंदू की डिवोर्स की ग्राउंड्स क्या है, हिंदू की डिवोर्स किन ग्राउंड पर होगी। आज का टॉपिक खत्म होता है, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।